बर्बाद है इनकी सरकार। लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा है। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने कार्यकाल की तुलना दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से करते नजर आए। रीवा की गुड़ विधानसभा में टीकर ग्राम में मुख्यमंत्री ने आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के 10 सालों के कार्यकाल को अपने कार्यकाल से तुलना करते हुए जमकर कोसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे मन में दर्द है, विकास की रफ्तार लगातार चल रही है, लेकिन फिर भी यहां से पिछला चुनाव नागेंद्र सिंह हार गए थे। इस क्षेत्र के विकास की बातें वर्तमान विधायक ने कभी नहीं की और इस वजह से क्षेत्र का विकास 5 साल पीछे हो गया है। यहां नहरों में लबालब पानी भरा हुआ है जो हमारी सरकार की देन है। इस क्षेत्र के विकास में नागेंद्र सिंह का अहम रोल है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए बताया कि मैंने किसानों की जमीन सिंचित करने के लिए गुण उद्गम बहुत ही परियोजना क्योटी परियोजना लागू की है और कांग्रेस ने किसानों को सूखा दिया है। इनके कार्यकाल में सिंचाई का प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता था, समय बढ़ रहा था। कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली गुल थी, सड़कों में गड्ढे थे, शिक्षा की व्यवस्था ठप थी और केवल सत्ता के उपभोग में वे मस्त थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार। जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना,
तब शिवराज जी था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार? ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।